ओम शांति। सोचा था सेवाएं कर बैठूंगा एकांत में, पर सेवाओं के सिलसिले ने शायर बना दिया। लो साझा करता हूं सुहानी यादों को, कि इन स्मृतियों ने मन को तरोताजा कर दिया। ये जिंदगी की कहानी है, बहता हुआ सा पानी है। जब काले घने अंधेरों में तुम ढूंढ लोगे रोशनी, हर गम सो जाएगा, जागेगी बस खुशी, जागेगी बस खुशी। मेरे बाबा है साथ, खुशी की रोशनी लेकर जयंती बहन ने सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस मंच द्वारा हजारों मन को आध्यात्म प्रकाश से उजागर किया। सुख का आधार है एलिवेटेड कैरेक्टर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। किसी ने बर्फ से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों? बर्फ ने कहा, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पर करूं? खुशनुमा जीवन के कुछ ऐसे ही सरल नुस्खे बताए हैप्पीनेस मंत्रा तथा खुशनुमा जिंदगी प्रोग्राम्स के जरिए। खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो और न मंजिले मिले न मिले, मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये गलत बात है। साइंस ऑफ मेडिटेशन टॉक के दौरान डॉक्टर गिरीश पटेल ने इसी तर्क को केंद्र बिंदु बनाते हुए सभी को राजयोग मेडिटेशन के नियमित अभ्यास की प्रेरणा दी। वो टूल्स कहाँ जो तुझको देखे, वो स्क्रिप्ट कहाँ जो तुझको रोके। राह वही है, दिशा वही, तू करे जिधर प्रयाण। हे मन तू अपना बल पहचान, हे मन तू अपना श्रेय पहचान। आईटी प्रोफेशनल्स को वर्चुअल रियलिटी की दुनिया से दूर मेडिटेशन के जरिए वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस कराया गया डीबगिंग द माइंड सेमिनार में। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हार में भी जीत और जीत में भी हार की ये अजीब दास्तान को पहचानने का प्लेटफॉर्म बना बिजनेस लीडर्स के लिए आयोजित सेमिनार इनर लीडरशिप। है विचरते स्वप्न सुंदर, बंद पलकों की सीमा तज कर, है होते वो स्वप्न साकार, खुली आंखों में जो लेते आकार। एक स्वप्न खुली आंखों से, इस अद्भुत आध्यात्मिक मेले में ज्ञान और विज्ञान का निराला संगम बना रहा। इतना अच्छा लगा आज यहाँ आके, मन को बहुत शांति मिली और ईश्वर करे और लोग इससे जुड़े। जिंदगी को एक लय में रखना है तो ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेरे पवित्र ज्ञान से सिंचित कमल आसन पर विराजमान ये दिव्य फरिश्ते, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। साथ ही शिवरात्रि महोत्सव पर आयोजित द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले का अवलोकन करने कई नेता अभिनेता और समाज प्रणेता पहुंचे। डॉक्टर्स योगीज और सीकर्स ने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के इंटरकनेक्शंस को एक्सप्लोर किया हीलिंग द हीलर सिंपोजियम में। डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अपने अनुभव एवं कौशल से सबको मोहित कर दिया। बड़ा बलवान होता है ये मन, स्वास्थ्य है सबसे बड़ा धन। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा निमित्त आयोजित पावर्स ऑफ योगा कार्यक्रम में होलिस्टिक हेल्थ गुरु मिकी मेहता ने अनोखे हेल्थ सीक्रेट्स रिवील किए। आओ बंधु तुम्हें दिखाएं झांकी एंजल वॉक की, इन एंजल्स को नमन करें ये दृष्टि है वरदान की। प्रभु उपवन फरिश्तों का चमन, प्रभु उपवन फरिश्तों का चमन। मन आंगन में संगीत जीवन है, अल्फाजों की खनक से बनते दिव्य मधुर गीत है। सम्मान के मधुर स्वर तथा धन्यवाद तेरा प्रभु एल्बम्स की रचना का कार्य भी प्रभु उपवन में संपन्न हुआ। प्रभु धन्यवाद तेरा। पुलवामा के शहीदों को दी गई सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रभु उपवन के विशाल एक्सटेंडेड बीके फैमिली ने संगठित रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग का प्रयोग कई स्थानों पर किया। ब्राह्मण परिवार ने ये दृढ़ता दर्शाई कि योग का प्रयोग हमें बढ़ाना होगा, सकाश का सहयोग हमें देना होगा, कदम मिलाकर हमें चलना होगा, योग अभ्यास के लिए हमें फिर फिर मिलना होगा। पथिक हूँ पुरुषार्थ पथ का, आप में देखा व्यक्तित्व आदर्श का, आपके विचार बने दिशा मेरी, जरूर होगी
परिवर्तन की आशा पूरी। ब्राह्मणों के स्व पुरुषार्थ को गीता बहन, शारदा बहन, अमीर चंद भाई, सूरज भाई तथा रुपेश भाई के मार्गदर्शन का लाभ मिला। फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। दिन वो बड़े अच्छे, उमंग के, उल्लास के, हर श्वास में खुशी भरी, हर चेहरे पे मुस्कान सजी। शिवरात्रि, होली, दिवाली, क्रिसमस जैसे सभी त्योहार अलौकिक विधि से मनाए गए। इस खुशी के माहौल ने थाईलैंड बी के परिवार को भी रूहानियत में झूमा दिया। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती है सेवाओं के सफर में। समझदार वो जो समय पर आगे चलते रहे और जब समय का संकेत हो तब थम जाए। अलविदा, ओम शांति।